दोस्तों नमस्कार, पांडे टूरिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस जियो में जो वैकेंसी निकलने वाली है, 18,000 जो युवाओं को भर्तियां करने जा रही है, तो कंप्लीट डिटेल बात करेंगे क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने के लिए। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, धूल कणों, हीलियम और वाटर वेपर। आपको क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं न्यूज क्या है। उससे पहले हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बिक की बटन प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं डेली यहां पे लेटेस्ट रिक्वायरमेंट न्यूज और स्टडी मटेरियल की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे देख रहे हैं कि न्यूज में दिया कि नई दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो की मौजूदा वित्त वर्ष में 75,000 से 80,000 लोगों को भर्ती करने की योजना है। कंपनी के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी संजय जोग ने यहाँ एक कार्यक्रम के अवसर पर संवाददाताओं को यह जानकारी दी। कंपनी द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष में की जाने वाली भर्तियों के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, इस समय लगभग 157,000 लोग हैं, मैं कहूँगा कि 75,000 से 80,000 लोग और आएंगे। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जियो डे बाय डे काफ़ी ग्रो कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, तो इसमें काफ़ी वैकेंसी आने की संभावना है और करियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही अच्छी है। कंपनी में नौकरी छोड़कर जाने की दर के बारे में उन्होंने कहा कि निर्माण स्थलों में जुड़े बिक्री और तकनीकी क्षेत्रों में लगभग 32% है। यदि इसे मुख्यालय के स्तर पर देखा जाए तो यह मात्र 2% एक कुल मिलाकर यदि आप औसत देखेंगे तो यह 18% ही रह जाता है। योग ने कहा कि कंपनी की 6,000 कॉलेजों के साथ भागीदारी है। इसके अलावा कंपनी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से भी नियुक्तियां करेगी। उन्होंने कहा कि संदर्भ आधार पर नियुक्तियों का हिसाब करीब 60 से 70% है। इस मामले में कॉलेज से नाम आना और कर्मचारियों के जरिए नाम भेजना नियोजित में योगदान करने को दो प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों जब भी आधिकारिक घोषणा रिलायंस जियो द्वारा कर दी जाएगी अपने वेबसाइट पर वैकेंसी को, तो उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अभी जब घोषणा हुई कि इस साल इतनी भर्ती होगी, तो लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए, लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें और हमें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।